दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया। जेल में ही बंद बदमाशों ने टिल्लू की मौत को अंजाम दिया और पुलिस महज मूक दर्शक बनी रही। लेकिन अब जेल पुलिस के साथ साथ जेलर की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। देश की सबसे सुरक्षित जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को जेल में ही बंद कैदियों के गुट ने मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक ये हत्यारे बेडशीट की मदद से पहली मंजिल से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद उन्होंने पहले वार्ड फ्लोर पर ताला लगा दिया ताकि कोई बीच बचाव कराने ना पहुंचे। इसके बाद सभी बदमाश एक बैरक में घुसे, अंदर से टिल्लू को पीटते हुए बाहर लाए और टिल्लू बचने की कोशिश करता रहा। लेकिन ये बदमाश किसी नुकीली चीज से लगातार उस पर ताबड़तोड़ हमला करते रहे, जिससे टिल्लू बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद एक और सीसीटीवी विजुअल सामने आया, जो कि तिहाड़ जेल की सेंट्रल गैलरी का बताया जा रहा है। इसमें गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के शव को कुछ पुलिस वाले बाहर लेकर आते हैं, लेकिन इस पर बदमाश टिल्लू की लाश पर हमला कर देते हैं और एक के बाद एक कई वार करते जाते हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बदमाशों से ज्यादा पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो इन बदमाशों को रोक सके। जानकारी के मुताबिक ये हत्या करने वाले बदमाश जितेंद्र गोगी गिरोह के सदस्य हैं, जिसमें दीपक उर्फ तीतर, योगेश उर्फ गेंदा, राजेश उर्फ टुंडा और रियाज खान शामिल हैं। इन सभी ने ही ताजपुरिया पर ताबड़तोड़ चाकुओं से या फिर किसी नुकीली चीज से हमला किया। इस पूरे हत्याकांड में तिहाड़ जेल पुलिस की नाकामी साफ देखने को मिल रही है। हालांकि अब जेल प्रशासन की लापरवाही उन पर ही भारी पड़ने लगी है, क्योंकि रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में टिल्लू हत्याकांड के मद्देनजर केस दर्ज करा दिया है, जिसमें तिहाड़ जेल के जेलर को आरोपी बनाया गया है। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जो तिहाड़ जेल है, वो भारत में सबसे मशहूर हाई सिक्योरिटी जेलों में से एक जेल मानी जाती है। 2 मई को सुनील उर्फ ताजपुरिया की वहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई है और आए दिन तिहाड़ जेल के अंदर इसमें की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसको लेकर मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दर्ज कराई है, जिसमें तिहाड़ जेल के सभी आला अधिकारी और उन कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा लिखे जाने की अपील की है। इतनी बड़ी जेल जिसमें 7,500 सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, वहाँ पर एक बड़ी हत्या हो जाए, माननीय न्यायालय की द्वारा जुडिशियली कस्टडी में भेजे गए सब आरोपियों को वहाँ पर गैंगवार के तहत मार दिया जाए, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है और ये हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है। इतनी बड़ी तिहाड़ जेल के अंदर इतने बड़े गैंग ऑपरेट होते हैं और तिहाड़ जेल के आला अधिकारी हमेशा चुप्पी साधे होते हैं और उनके खिलाफ कोई विधि कार्रवाई नहीं होती है। इसको लेकर मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दर्ज कराई है, जिसमें मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मांग करता हूं कि सभी आला अधिकारियों के खिलाफ और तिहाड़ जेल कर्मचारी और अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और सुनील उर्फ ताजपुरिया की हत्या में IPC 120B के तहत मुकदमा लिखा जाना चाहिए। दानिश ने जब से मामला दर्ज कराया है, तब से तिहाड़ जेल प्रशासन में हड़कंप मचा है और वैसे भी ये कोई पहला मामला नहीं है जब तिहाड़ जेल में किसी कैदी की हत्या हुई हो, बल्कि इससे पहले भी जेल में गैंग वॉर हो चुकी है, लेकिन टिल्लू की हत्या ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और शाहबाज खान ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।